हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करते हैं कमोडिटी अपडेट्स की। कमोडिटीज वन ऑफ द डेंजर्स यू नो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां पर रातों रात बन सकते हो आप करोड़पति और जहां रातों रात आप अपनी खो सकते हो पूंजी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कमोडिटीज की। आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा करने से पहले हमने कल क्या रणनीति बनाई थी पहले उसका ओवरव्यू कर ले, फिर आगे की बात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को गोल्ड सिल्वर की रेंज बताई थी और क्रूड और एनजी का कॉल अपडेट किया था। मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोगों को बता के कर रहा हूँ, यानी कि आप लोगों को मैं बताता हूँ और अपनी कॉल ट्रैकर शीट में डालता हूँ और उसका वीकली पोस्टमार्टम करता हूँ कि मैंने जो आप लोगों तक पहुँचाया है उसके रिजल्ट्स क्या हुए। कोई नहीं मिलेगा ये करने वाला आप लोगों को, ट्रस्ट मी। चेहरा दिखा के बात कर रहा हूँ, लोग तो स्क्रीन दिखाते हैं पीछे से बोलते हैं, ऑथेंटिसिटी यहाँ से जज होती है। खैर, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं मेरे से, आप लोग तो क्रिटिसाइज भी करना बहुत अच्छे से जानते हैं और लोगों को उठाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कल मैंने जो क्रूड के कॉल अपडेट्स किए हैं, क्रूड और एनजी के अपनी शीट में अपडेट ली है, वो उसका एक आप लोगों को अपडेट कर दो, फिर आगे आज की क्या रणनीति होगी कमोडिटीज में उसकी बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अपना फेवरेट जो बनाया, मेरा खुद का बनाया हुआ डायलॉग है वो बोलना चाहता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक क्यों करना मर मर के पैसों के लिए काम, आइए आप और हम कुछ ऐसा करें जहां पैसा करे पैसे के लिए काम। वाह 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 वाह, ओवर हो गया ना, सॉरी। हाँ चलिए, क्रूड कल बाय करने का था 4240 के आसपास, 4184 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना था, 4282 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 4279 का इसने हाई पोस्ट किया क्लोजिंग तक और 73 के आसपास इसकी 70 क्लोजिंग हुई, इसकी 73 के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ 72। तो मैंने अपनी शीट में 40 का बाइंग एंट्री डाला है और 72 की क्लोजिंग एंट्री डाली है। तो मोटा माटी आप लोगों को कल 3200 रुपये का मुनाफा क्रूड ऑयल में हुआ होगा, जहां इन्वेस्टमेंट था 50,000 रुपये का। नेचुरल गैस को 164 के तक सेल करने कहा था, 166.10 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने कहा था, यानी यहाँ वहाँ पर आपका गया होगा 2500 से 2600 रुपये का नुकसान, वहाँ हुआ अपना स्टॉप लॉस हिट। ये दो एंट्री मैंने अपनी कॉल ट्रैकर शीट में ली है, बाकी गोल्ड सिल्वर और कोई एंट्री नहीं ली है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई एंट्री गलत कर रहा हूँ या फिर कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है तो आप प्लीज़ मुझे अपडेट करिएगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और अपडेट है, मेरी कॉल ट्रैकर शीट मेरी वेबसाइट में अब लाइव अपडेट हो रही है। आप अगर कोई वीडियो मिस कर देते हैं या फिर आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपकी वीडियो बफर नहीं हो पा रही है, तो आप www.intellisy.in पे जाकर वो कॉल ट्रैकर शीट को देख सकते हैं और मेरे पास परफॉर्मेंस से अभी तक करंट डेट तक क्या हो रहा है, करंट टाइम तक क्या अपडेट किए मैंने, वो सब चीज़ें वहाँ अपडेट हो रही हैं। अब आज आगे के लिए क्रूड में एंट्री, अभी क्रूड अभी चल रहा है 4267 4268। मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड में अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं, मैं इसकी एंट्री अपनी कॉल ट्रैकर शीट में नहीं लूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी 4135 का पोजिशनल कॉल जनरेट किया हुआ है 4310 और 4320 के 4310 के लिए। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कॉल अभी तक ऑन है और जो कोई भी लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर देता हूँ कि आप लोग इंट्राडे में अगर आप लोगों को कोई ट्रेड लेना है तो कहाँ पर ले सकते हैं। 50 से 60 4250 4260 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ से जो फ्रेश एंट्री कर रहे हैं। देखो, मैं आप लोगों को ऐसा कोई स्पेक्युलेटिव कॉल नहीं देना चाहता हूँ कि जबरदस्ती काम कराना है, अपने को कोई जबरदस्ती काम नहीं करना है, अपने को ऐसा काम करना है जहाँ से बनने के चांसेस हो खरे खरे पैसे। ऐसे कोई काम नहीं करना है जहां पर 1% 5% 10% भी 10% से ज्यादा की पॉसिबिलिटी हो कि स्टॉप लॉस हो जाए। फिर भी 4250 4260 के आसपास फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े एक्सटेंडेड टारगेट अपडेट कर देता हूं जो क्रूड ऑयल के लिए निकल के आ रहे हैं। क्रूड ऑयल के लिए जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 4314 का टारगेट नज़र आ रहा है, यानी यहाँ पर अगर कोई 60 के आसपास बाय करता है तो भी उसको मुनाफा हो सकता है 5000 रुपये का, लेकिन स्टॉप लॉस उसको मेंटेन करना है अभी भी 4200 का। जो मेरे पोजिशनल ट्रेडर हैं
जिन्होंने 4135 के आसपास की पोजीशन बिल्टअप करके रखी है वो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें 4179 का, 4184 4179 के आसपास का, यानी कि अगर उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है बाय एनी चांस तो भी उनको 5000 रुपए का मुनाफा रहे। मैं भी अपनी शीट में 4184 की एंट्री पुटअप करूंगा। दूसरी बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस अभी चल रही है 166.70, इसको 165-166 की रेंज में बाय करना है, 163.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और इंट्राडे में टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 172 तक के। मैं वापस रिपीट करता हूं, अभी नेचुरल गैस चल रही है 166.70, इसको बाय इनिशिएट करना है 165-166 के आसपास, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 163.50 का, टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 169-172 तक के। गोल्ड और सिल्वर के मेरे कोई कॉल नहीं है, मैं आप लोगों को लेवल अपडेट कर देता हूं। गोल्ड अगर आप लॉन्ग साइड में किसी के भी व्यू पे या फिर अपने व्यू पे ट्रेड कर रहे हैं तो 37700 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। 37700 के नीचे अगर ये खसकता है तो ये बहुत ज्यादा खसक जाएगा, अब की बार नहीं रुकेगा ये। ऊपर के बाजू में इसको 32070 तक के लेवल, 38070 तक के लेवल है, तो इसकी रेंज 37700 और 38070 तक की आप ध्यान में रखिएगा। 700 के नीचे ट्रेड करता है तो आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं, वहां पर 800-850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 37000 रुपए तक के लिए पकड़ के रखिए। सिल्वर अभी चल रही है 44550, इसका नीचे साइड नीचे बाजू का लेवल है 43940 के नीचे, इसको सीधे 42000 रुपए तक की जगह है और ऊपर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में 44900 और 43940 यानी 1000 रुपए की रेंज दिखती है। तो ये हुई हमारी क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर की बात। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भी अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो मेरे द्वारा दी गई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके पैसा बना सकें। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप में, जहां हम डिस्कस कर सकते हैं लाइव मार्केट या फिर आपकी कहीं कोई पोजीशन फंसी हुई है तो उसके मैं लेवल्स आप लोगों को अपडेट करता रहता हूं। कभी कभी ये भी होता है जैसे स्टॉक मार्केट में मेरे कॉल्स अपडेट होते हैं तो वो जो मेरे लाइव मार्केट के डिस्कशन वो जो व्हाट्सएप का मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है उसमें मैं एडवांस में कुछ कॉल्स अपडेट कर देता हूं। चलिए फिर मिलूंगा कल बात करूंगा कमोडिटीज की और बात करूंगा अपने खुद के परफॉर्मेंस की, जो आज मैं परफॉर्मेंस भी अपना डेली भी अपडेट करता हूं आप लोगों को। वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता देता हूं कि हमने कल ये किया था और उसका ये हुआ है और वीकेंड पे तो मैं अपने कॉल ट्रैकर शीट का पोस्टमार्टम आप लोगों के समक्ष रखता ही हूं। फिर मिलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।